इस परिवारवादी जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटों और राजकुलों की नीति पर चलते थे, तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे और तुष्टीकरण के आधार पर इनके द्वारा जो समाज में खाई चौड़ी करने का प्रयास किया गया था, इसी का परिणाम था पर्व और त्योहार आता था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा हो जाता था। कर्फ्यू लंबे समय तक लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता था, सामान्य नागरिक डर भयभीत रहता था और व्यापारी का उद्योग भी उसका कारोबार भी ठप पड़ता था। लेकिन आपने आज बदलते हुए अलीगढ़ को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। भारत के नागरिकों को अब दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक ओर भारत की दुनिया में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी ओर भारत की सुरक्षित होती हुई सीमा, आतंकवाद नक्सलवाद और उग्रवाद पर पूरी तरह विराम लगाने की ओर आज भारत सरकार है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो देश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं, हाईवे रेलवे मेट्रो वाटरवे एयरपोर्ट एम्स आईआईटी जैसे संस्थान युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। और भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने वाले हैं तो गरीब कल्याणकारी कार्यों के लिए भी आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष के अंदर जितने कार्य हुए हैं, आजादी के बाद 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने शासन किया था वे लोग उसका दसवां हिस्सा भी नहीं कर पाए थे। आप देखेंगे करोड़ों लोगों को देश के अंदर आवास की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का कार्य भी होता है, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले जाते हैं, 50 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाता है। और भाइयों बहनों, भारत अकेला देश है दुनिया के अंदर जिसने कोरोना कालखंड में लगातार पिछले 3 वर्ष से अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया है। भारत के अंदर हर वयस्क नागरिक को भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, दुनिया के अंदर कहीं और नहीं हुआ है। ये बदलता हुआ भारत है और उस बदलते हुए भारत में नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज पूरी तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अपना मिशन मान करके भारत के विकास की यात्रा में ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। 6 वर्ष के अंदर, मात्र 6 वर्ष में हमने
54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम किया। भैया बहनों, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए, 1 करोड़ 75 लाख गरीबों के लिए फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, और अब तो सरकार ने यह तय किया है कि सरकार दीपावली और होली के अवसर फ्री में रसोई गैस के भरे हुए सिलेंडर भी उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाएगा जिनके पास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को और वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में कवर दे रहा है, और यही नहीं पिछले 3 वर्ष से 17 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट का निर्माण, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक हॉस्पिटल्स का निर्माण, ये युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। भाइयों बहनों, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की विरासत का सम्मान भी हो रहा है। कोई सोचता था डबल इंजन की सरकार का एक करिश्मा है जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण का डबल इंजन ने भारत को प्रतिष्ठित कर दिया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, मथुरा वृंदावन सब समर रही है, सुख पीठ हो या मेरी सारिणे का पीठ, विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट, फौसी वाल्मीकि का लालापुर हो, चाहे संत तुलसीदास जी का राजापुर, इनको सजाने संवारने का कार्य और उस विरासत के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तत्परता के साथ हो रहा है। भैया बहनों, ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग जब सत्ता में आते थे युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे। हमने तमंचा संस्कृति को बंद किया, हमने तो युवाओं के हाथों में टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में बंदों पर ताला लग गया है, अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के बंदों में लग करके उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में, मैं जब भी आता था अलीगढ़ के लोग कहते थे कि अलीगढ़ के लिए एक ही बात कहते थे कि अलीगढ़ में भी अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोग ढूंढते रहे कहां से ये होगा। और भाइयों बहनों, जैसे जमीन की व्यवस्था हुई, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर जिन्होंने देश की स्वाधीनता में प्रणी पंक्ति में चलकर के देश की आजादी की लड़ाई का आगे बढ़ाया था,